अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन, इनके बारे में कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और इन्हें कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। आज का लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ज़रूर देखें, एक दो बार देखें और फिर प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो बेहतरी ज़रूर आएगी। चलें शुरू करते हैं। जब भी कोई काम माजी से शुरू होकर अभी तक चल रहा हो या माजी में शुरू होकर अभी ही ख़त्म हुआ हो, इन दोनों सूरतों में हम बात करते हुए हैज़ बीन एंड हैव बीन का इस्तेमाल करते हैं। ही शी इट दिस दैट सिंगल पर्सन सिंगल थिंग्स के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल किया जाता है। आई वी यू दे दीज दोज मैनी पीपल मैनी थिंग्स, इसके साथ हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है। जब कोई काम माजी में शुरू हुआ हो और माजी में ही ख़त्म हो गया हो, तब इंग्लिश सेंटेंसेस में इसके साथ हैड बीन का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल सब के साथ किया जाता है, तमाम सब्जेक्ट्स और नाउन के साथ। आई वी यू दे दीज दोज मैनी पीपल मैनी थिंग्स ही शी इट दिस दैट सिंगल पर्सन सिंगल थिंग। चलें अब कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। You have been sleeping since morning. आप सुबह से सो रहे हैं। I have been working for 2 hours. मैं 2 घंटे से काम कर रहा हूँ। I have been working since 1 PM. मैं 1 बजे से काम कर रहा हूँ। Books have been lying here since yesterday. कल से यहाँ किताबें पड़ी हैं। He has been sick for last 3 days. वो पिछले 3 दिन से बीमार थे। You have been sleeping for 5 hours. आप 5 घंटे से सो रहे हैं। आई हैव बीन गेटिंग द सेम हेयर कट फॉर लास्ट 2 ईयर, मैं पिछले 2 साल से सेम बाल कटवा रहा हूँ। आई हैवंट बीन गोइंग टू ऑफिस फॉर लास्ट 10 डेज, मैं पिछले 10 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से यहाँ बैठे हैं। हैव बुक्स बीन लाइंग हेयर सिंस यस्टरडे, क्या कल से यहाँ किताबें पड़ी हैं। I have been watching Kamar P.V. Myers video for last few days. मैं पिछले कुछ दिनों से Kamar P.V. Myers की वीडियो देख रहा हूँ। Lately I have been watching this program every day. हाल ही में मैं हर रोज़ इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। I have been watching this program for a while. मैं इस प्रोग्राम को थोड़ी देर से देख रहा हूँ। I have been watching this program for a long time. मैं एक तवील अरसे से इस प्रोग्राम को देख रहा हूँ। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस यस्टरडे, कल से बारिश हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग फॉर द लास्ट 3 आवर्स, गुज़िश्ता 3 घंटों से बारिश हो रही है। व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से आप क्या कर रहे हैं। आई हैव बीन स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम कर रहा था। I had been on phone for 2 hours. मैं 2 घंटे फ़ोन पर रहा था। I had been working there since 1st January. मैं 1 जनवरी से वहाँ काम नहीं कर रहा था। Ali has been crying since morning. Ali सुबह से ही रो रहा था। We had been living in China for 2 years. हम 2 साल से चीन में मुकीम थे। I had been looking for you for 3 days. मैं 3 दिन से आपकी तलाश में था। I had not been living here for last 2 years. मैं पिछले 2 साल से यहाँ नहीं रह रहा था। He had not been coming to the office since 1st February. 1 फरवरी से वो ऑफिस नहीं आ रहा था। Had you been getting the newspaper for 1 month only? क्या आपको 1 महीने ही अखबार मिलता रहा। I had been using that shampoo before I started using this one. उस शैम्पू का इस्तेमाल शुरू करने से पहले ही मैं इस शैम्पू का इस्तेमाल करता रहा था। अगर आपको ये हमारी छोटी सी कोशिश पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन एंड शेयर दिस वीडियो ऑन द फेसबुक। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। गुड बाय।